जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही। एक जान है भले तो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम और तुम्हें शाम हो, तुम दर्द हो तुम आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। जन्नत वहीं चल रही अगर जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरी मन्नत वहीं। तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसिकी। तलब 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 बस तेरी है मुझे, नशों में तू नशा बन के गुनगुनाऊं। तेरी मोहब्बत का करना तू हक अदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तू और तुम्हें शाम हो, तुम दर्द हो तुम आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा। तेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा 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 अलविदा। क्या गाने हैं और क्या गाया है आपने। कभी भी जब आप कोई रियलिटी शो में जाते हैं या इस तरह का कोई गाना परफॉर्म करता है आपकी फिल्म का, तो आपको ये पता होता है कि मतलब आप मिस करते हो अपने ओरिजिनल सिंगर को। ये पहली बार हुआ दोनों गानों में, ऐसा लगा कि अगर आप भी गाते तो कोई कमी नहीं रहती। क्या बात है, क्या बात है। सो एक्चुअली आपको यहाँ से निकाल देना चाहिए। Industry is waiting for you, actually. You are a complete singer for me. And you have a great future. You have a very bright future. Thank you so much. Rishi, मैं ये कहना चाहती हूँ कि you are my favorite. Thank you so much, man. Thank you so much. Wow. Even he's my favorite also. So what are the odds? And Pooja, Rishi ke pehla audition dekha? Haan, I think you sang Pehla Pehla Pya. Yes, yes. Rishi, ek request hai. Yeah. Pehla Pehla Pyar hamare liye. Tu kya gaega? Main gaunga Pehla Pehla Pyar. Original version. Sunenge aap? सुनाइए सुनाइए। रिवर्ब दे दो भाई इसको। एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज में पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जाने के भी अनजाना
ऐसा मेरा हो 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 हंस रही क्यों है यार ठीक है यार मैं कच्चा वाला आ रहा हूँ सिंगिंग में तू पक्का वाला है तू ही कर ले गा जैकलीन का रिक्वेस्ट पूरी कर कम ऑन ऋषि सिंह Competitive performance. Thak jata hu main papa. इसलिए अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए एक 100% नॉन कंपेटिटिव परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं जिंदगी को दोबारा दस्तक देने वाले विनीत सिंह क्या बात है भाई और सिंगिंग का चमत्कार लिसनर्स का शेयर जॉय देवोश्विता रॉय रंग दे तुम हो है ये रुआ
बहुत अच्छा गाया आप दोनों ने. गाना शुरू हुआ और मैंने रणवीर को गाया और बहुत ज्यादा काम किया हुआ है ये गाना. मतलब वन ऑफ माय फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग्स है जो जितना मैंने किया हुआ है. और ये सबसे हमारे डिफिकल्ट शूट रही. ये गाना पहली बार कोई हिंदी फिल्म आइसलैंड में शूट हुई है एंड एक एक लोकेशन इतनी डिफिकल्ट थी. इट वॉज नॉट एन ईजी शूट. ऑब्वियसली वी आर हैप्पी कि एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आया एंड आज भी ये गाना इतना पॉपुलर है. ये पूरी शाम एक है ना कि आप पूरे आपने जो काम किया है नॉस्टैल्जिक कर देती है आपको कि आपने कितना काम किया है, आपने क्या क्या काम किया है. एक रिविजिट आप मुझे मेरे करियर को ही करवा रहे हो आपकी इस ट्रिब्यूट के जरिए. सो थैंक यू सो मच इंडियन आइडल एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द कंटेस्टेंट्स. थैंक यू. थैंक यू विनीत. थैंक यू देवो स्मिता. देवो स्मिता जी, देखिए मैं 85 में बॉर्न हुआ था तो 90s का मैं कीड़ा हूँ. आप ना यू आर देवोश्मिता अकॉर्डिंग टू मी आदि. जी सर. इज वेयर अनुराधा पोडवाल मीट्स अलका याग्निक. क्या बात है. यू आर एन एब्सोल्यूट स्टार. आई रियली एंजॉय दैट. सीधे दिल को लगी. थैंक यू सो मच. एब्सोल्यूट. इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ फिल्म के जरिए ही दुनिया का दिल बहलाने के लिए नहीं आते हैं बल्कि आउट ऑफ द वे जाकर अच्छाई और खुशियां फैलाने आते हैं, उनकी मदद करते हैं. ऐसे ही है एक मेरे परिचित रणवीर. क्या आप इनको जानते हैं? देखिए. रोहित भाई को हम हमारी पुलिस फैमिली का एक सदस्य मानते हैं. रोहित भाई तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं. जो उन्होंने मूवीज बनाई, सिंघम हो, सिम्बा हो, सिंघम रिटर्न्स हो, सूर्यवंशी जैसी मूवीज है, वो तो पुलिस ऑफिसर्स का इमेज इस टाइप से उन्होंने बनाया कि हमें सुपर हीरो दिखाया. कोविड का बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम हमारे लिए था. इस दरमियान बहुत सारे कर्मचारी इन्फेक्ट हो गए. हाई एंड हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट एक बड़ा चैलेंज था और हम लोगों ने जो कोविड इन्फेक्टेड थे उनको एडमिट कर दिया. लेकिन उसका ऑलमोस्ट 93 लाख के आसपास बिल जब आया और मैं चिंतित था कि ये बिल कैसे पे करेंगे. ये डिस्कशन मैं रोहित भाई से एक बार कर रहा था तो वो बोले कि सर चिंता मत कीजिए, हम एक स्ट्रोक में ये बिल पे करेंगे. और उन्होंने 93 लाख का चेक खुद अपने हाथों से लिख के दिया और उस हॉस्पिटल का जो बिल था वो खुद पे कर दिया. कोरोना का जो काल था वो बाकी लोगों की तरह, बाकी इंडस्ट्रियों की तरह हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ही डेंजरस टाइम था, बहुत ही खतरनाक टाइम था. तो हम लोनर्स हो गए थे. हमारी इंडस्ट्री के जितने भी टेक्नीशियंस हैं, वर्कर्स हैं, लाइट बॉयज़ हैं, स्पॉट बॉयज़ हैं, फाइटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, रोहित शेट्टी को हम अपने इंडस्ट्री का सेंटा क्लॉज बोलते हैं. बिकॉज हंसता हुआ चेहरा अगर आपके सामने आ जाए तकलीफ के टाइम पे, दुख के टाइम पे, तो वो सेंटा क्लॉज ही हो सकता है और कोई नाम से उसको कहा भी जा सकता है. रोहित शेट्टी साहब का फोन आया और कहा कि मैंने एक शो किया है, बहुत बड़ा शो, तो मैं पूरा जो वहाँ से मुझे जो रेम्यूनरेशन मिला हुआ है वो मैं पूरा डाइवर्ट करता हूँ अपने फेडरेशन में. तो मेरे ख्याल से कुछ 1 करोड़ रुपये करीब था. जैसे कि बोलते हैं कि भगवान का रूप बन के मेरे फोटोग्राफरों के लिए, हमारे लिए एक कॉल आता है कि आप पापराजी फोटोग्राफर्स के लिए रोहित सर कुछ हेल्प करना चाहते हैं. सो मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो एक कितना बड़ा रिलीफ था हमारे दिलो दिमाग से कि हाँ कि चलो रोहित सर ने हेल्प की है और हमारे लड़कों के घर के खर्चे निकल जाएंगे. मुझे भी आज एक चीज़ अच्छी लगती है कि मैं जब कोविड में लोगों की बातें सुनता था, कोई मुझे बोलता था सर मुझे नौकरी से निकाल दिया, किसी ने बोला कि मुझे सिर्फ जितने दिन मैं काम पे गया उतना ही पैसा दिया. मैं लोगों की जब बातें सुनता था तो मैंने सोचा कि ये इंडस्ट्री कितनी अच्छी है और इसमें रोहित सर जैसे लोग हैं कि जिनको हमने कुछ, जिनसे कुछ मांगा भी नहीं, उन्होंने अपने आप ही पैसे डिपॉजिट करवा दिए. ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच जो है वो कमेंडेबल है. ऐसे हालात में जो रोहित भाई हमारे पीछे डट के खड़े हो गए. मूवीज़ में भी हमें हीरो दिखाते हैं लेकिन सिर्फ हीरो दिखा के कुछ नहीं होता है. ग्राउंड लेवल पे जो
रियल हीरोगिरी है वो रोहित भाई ने की है. थैंक यू सो मच. जेन्युइनली सर, इट्स नॉट जस्ट कि आप सुपरहिट फिल्में बनाते हैं और उससे हजारों सौ करोड़ों का बिजनेस जनरेट होता है, बट दिस जेन्युइनली गोज़ टू शो कि आप दिल से कितने सच्चे और कितने अच्छे इंसान हैं. एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर द रियल लाइफ हीरो रोहित शेट्टी. जब कोविड चल रहा था, सारे लोग घर पे थे, पूरी पूरी टीम्स घर पे थी, हम सारे घर पे थे. सर्कस जब हमने शूट करी थी, सर को भी था कि जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, जितने भी हम सारे एक्टर्स टेक्नीशियंस, जितनी भी सारी टीम सारे घर पे थी, सर्कस उस टाइम पे बनी है ताकि सब काम कर सकें. उस टाइम पे रोहित सर वाज़ द फर्स्ट पर्सन हु इनिशिएटेड कि जितने भी लोग हैं वो काम कर सकें. और रोहित सर के सेट पर इतनी प्योरिटी होती है. वो रोहित शेट्टी एंड टीम जो है, वो एंड टीम नहीं, वो एंड फैमिली है. वो फैमिली है एंड वी ऑल रोहित सर विद ऑल आवर हार्ट्स वी फील सो ब्लेस्ड दैट वी आर पार्ट ऑफ द फैमिली. वी लव यू सर एंड थैंक यू फॉर जस्ट एवरीथिंग दैट यू डू. लव यू सर. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.